दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराजा का श्रावणवदी आटम गुजराती अषाढ़वदी आटम को 3:20 पर कालधर्म हुआ। तारीख 14 जुलाई 2020। इन्होंने सगाई तोड़कर दीक्षा ली थी। इनके पवित्र हाथों से 451 दीक्षाएं हुई। 550 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंतों के गुरु पद पर स्थापित थे। इतनी दीक्षाएं और इन सब के पीछे का रहस्य क्या? हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा गजब का पुण्य आचार्य भगवंत का कैसे खिला। वर्मान तीर्थ की प्रतिष्ठा का माहौल था, अनेक भक्त बैठे थे। जैसे ही साधु भगवंत विहार करके आए, तब उन्होंने देखा कि गुणरत्न महाराज साहब बड़े बड़े धनवान ट्रस्टी श्रेष्ठियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही आचार्य भगवंत गुणरत्न महाराज साहब ने निस्स ही सुनी, वैसे ही उन्होंने छोटे महात्मा को पधारो कहा, वार्तालाप रोक कर महात्माओं का हालचाल जाना। इतनी दीक्षाएं के पीछे का यही रहस्य है। इन सबके मूल में छोटे से छोटे साधु भगवंत के प्रति अपार वात्सल्य, अपार प्रेम उनके हृदय में था। कहते हैं, जब छोटे व्यक्ति को बड़े पद पे रहा हुआ बड़ा इंसान योग्य आदर देता है, तब छोटा इंसान धन्य बनता है और बड़ा इंसान महान बनता है। वर्तमान में 3000 से ऊपर साधु साध्वी जी भगवंतों के गुरु सिद्धांत महोदधी सुविशाल गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा की गुणरत्न महाराज साहिब से जुड़ी अंतिम क्षणों की एक असामान्य घटना जानते हैं। दोपहर की गोचरी वापरने के बाद प्रेमसूरी दादा भोजन पचाने के लिए उपाश्रय में राउंड लगा रहे थे। सामने से व्याख्यान वाचस्पति पूज्य आचार्य भगवंत श्री रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब सामने से पधारे। उन्होंने प्रेमसूरी दादा को पूछा कि आज आपके मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों है। प्रेमसूरी दादा ने एक बहुत ही रहस्य भरा जवाब दिया कि आज घर बदलना है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। वहाँ उपस्थित महात्माओं को लगा शायद इस उपाश्रय में चींटियाँ बहुत है, इसीलिए विराधना से बचने के लिए घर बदलने की यानी स्थान बदलने की बात कर रहे हैं। दिन बीत गया, शाम ढल गई। सभी महात्माओं को इकट्ठा करके प्रेमसूरी दादा ने फरमाया कि आज मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए आप सभी से मिच्छा में दुकड़म मांगता हूँ। मैंने आप सभी को संयम के लिए अनेकों बार टोका होगा, इसलिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी को विसर्जित करके उस समय प्रेमसूरी दादा ने गुणरत्न महाराज साहब को बुलाया और कहा कि मुझे ज्ञान सार ग्रंथ का विवेक अष्टक सुनाओ। ये विवेक अष्टक है क्या? इसमें आत्मा और देह भिन्न है, अलग है, उससे संबंधित श्लोक है। साथ ही गुणरत्न महाराज साहब ने झांझरिया ऋषि की सज्जाएं भी सुनाई, जो समाधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमसूरी दादा के अंतिम क्षणों में समाधि देने का सौभाग्य यही गुणरत्न महाराज साहब को प्राप्त हुआ था। ये तो हुई प्रेमसूरी दादा के अंतिम क्षणों की बात। उपमिति भव प्रपंच कथा, जो एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, दत्तमेव लभ्यते, अर्थात जो दिया जाता है वो ही मिलता है। अब गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के काल धर्म के एक दिन पहले क्या हुआ था, देखिए। कल तक यानी काल धर्म से एक दिन पूर्व वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। काल धर्म के एक दिन पूर्व एक विशेष बात हुई थी। सब महात्माओं के बीच जहां गोचरी मांडली होती है, जहां सब महात्मा एक साथ बैठते हैं, तब गुणरत्न महाराज साहब ने सामने से कहा कि आज मुझे आप सबको खिलाना है, वापराना है। उस वक्त लगभग 45 साधु महात्मा विराजित थे। सबको अपने हाथों से एक माँ की तरह उन्होंने वापराया था। तब शायद एक भी महात्मा को ये पता नहीं था कि आज गुरुदेव अंतिम बार हमें वापरा रहे हैं। शाम को आचार्य भगवंत को बुलाकर उन्होंने कहा कि आज मुझे पंच सूत्र का स्वाध्याय करवाओ और वही झांझरिया ऋषि की सज्जाएं सुनाओ, वही सज्जाएं जो उन्होंने खुद प्रेमसूरी दादा को सुनाई थी। शाम को उन्होंने 3 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने विरति और मोक्ष के बारे में अपने आश्रित श्रमण श्रमणी भगवंतों को प्रेरणा की थी। प्रतिक्रमण क्रिया आदि आराम से हुई, सभी से बात कर रहे थे। लगभग 10:30 संधारा किया, उस वक्त ब्रेन हैमरेज हुआ। उन्हें वहां से कैलाश नगर संघ में ले आए। लगभग 250 महात्माओं ने क्रमशः आकर के एक एक नवकार सुनाया और 12 से 3 के बीच नवकार की ये धुन लगातार बिना रुके चल रही थी। अंत में 3:20 पर उनका समाधि पूर्वक कालधर्म हुआ।
प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा के सानिध्य में रहकर इन्होंने 70,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत टीका का निर्माण किया, जिसमें इस साहित्य के जर्मन प्रोफेसर वर्ण ने भी अनुमोदना की। खवक सेड़ी जैसे अनेक ग्रंथ थे। इन्होंने प्रेमसुरी महाराज की 14 वर्ष तक अखंड सेवा की। पूज्य प्रेमसुरी महाराज का अंतिम रजोहरण भी इन्हीं के पास था और आज समाधि मृत्यु के वक्त अंतिम क्षणों में इनका मस्तक उसी रजोहरण के ऊपर रखा हुआ था। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के हृदय में इनके प्रति इतना विश्वास था कि उनके समुदाय का पट्टक भी उन्होंने इन्हीं के हाथों से लिखवाया था। पट्टक यानी हमारी भाषा में विल भी कह सकते हैं। इनका जीवन एक कहावत को चरितार्थ करता है, जब तू आयो जग में जग हसे तू रोए, करनी ऐसी कर चलो तू हसे जग रोए। अर्थात जब तुम इस जग में आओ तब सब हंसते हैं और तुम रोते हो, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि जाते वक्त तुम हंसो और सब रो पड़े। और आज ऐसा ही हो रहा है। 25,000 से अधिक बालकों को शिविर के द्वारा संस्कार दिए, तकरीबन 1,00,000 लोगों की विश्व प्रकाश पत्राचार पट्टक्रम के जैनिज्म कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कराई, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को भव आलोचना देकर जीवन शुद्धि करवाई है, वैराग्य और युवा जागृति के प्रेरक के रूप में लोगों में वैराग्य की धारा प्रवाहित करने में, विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिरावला, पावापुरी, भैरुतारक जैसे अनेक तीर्थों के वो वरिष्ठ मार्गदर्शक थे। चरिपालित संघ, उपधान, 99 जिनके निष्ठा में विपुल मात्रा में हुए, जिन्होंने 69 वर्धमान तप की ओले की, ये महात्मा लगातार एकाशना ही करते थे, वो भी सिर्फ 4 अथवा 5 द्रव्य से। सामान्य रोटी दाल ही वापरते थे, बाकी सब चीजों का उनका त्याग था। उनकी ये क्रिया लगभग पिछले 45 वर्षों से चली आ रही थी। जिन्होंने टाइफाइड जैसे रोग में, जिस रोग में सामान्य व्यक्ति के लिए काम करना तो दूर की बात, चलना फिरना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे रोग में भी गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब ने तकरीबन 10,000 श्लोक प्रमाण साहित्य की रचना की। इस काल में भी एक तिथि, दो तिथि जैसे समुदाय भेद के बिना ये सबके लिए आदरणीय थे। 88 वर्ष की उम्र में दीक्षा पर्याय 68 वर्ष का रहा। समुदाय का इन्होंने हरियाली पूर्वक विकास किया, जिसमें प्रवचनकार भी है, विद्वान भी है, तपस्वी भी है, 84 उपवास करने वाले महात्मा भी है, मासक शमन करने वाले 350 से अधिक महात्मा है। जीवन एवु ना जीवो के लोको फरियाद करे, जीवन एवु जीवो के लोको फरी याद करे। अर्थात जीवन ऐसा ना जियो कि लोग शिकायत करें, बल्कि जीवन ऐसा जियो कि लोग फिर आपको याद करें। 3 प्रकार की मृत्यु होती है। पहली, जब मृत्यु आती है और पता नहीं चलता। दूसरी, मृत्यु के वक्त पता चलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तीसरी, मृत्यु से बहुत पहले आभास हो जाता है। महापुरुष वो होते हैं जो खुद के प्रयाण को भी खुद ही नक्की करते हैं। मरते तो सब है, सबको एक दिन मरना है, लेकिन एक महापुरुष ही मृत्यु को महोत्सव बना जाते हैं। काल धर्म के समय उनके चेहरे पर चिंता की या टेंशन की एक लकीर भी नहीं थी। जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों को वैराग्य और समाधि से प्रेरित किया, उन्होंने स्वयं के जीवन में भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया और आज जिन शासन के लिए एक सूर्य का अस्त हुआ। दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवंत श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब को हम सभी का वंदन। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम, इच्छा में दुखड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।